बहुत स्वागत है आप लोग का दोस्तों फिर से GTA के पार्कर रेस में। तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारे पास इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, तो गाइस इन लोग की तो बात ही नहीं आ रही। जो चांस है वो मोटू और सिंगम से ही लेके बैठे, लेकिन गाइस इस वाले एपिसोड में जो है सबकी बारी आएगी, क्योंकि सिंगम भी आउट हो चुका है और ब्लू वाला मोटू भी। और जो ब्लैक वाला मोटू है गाइस वो अभी गाड़ी लेके जस्ट पहुंचा ये कार के पास, और भाई ये जो है रेड वाली कार लेगा। ओबे भाई साहब, क्योंकि ये वाली गाड़ी जो है वो ऊपर वाले प्लेटफॉर्म पे चढ़ सकती है, और ये वाला प्लेटफॉर्म काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है गाइस आप लोग देखना। और यही वाली गाड़ी हम लोगों ने इसलिए सिलेक्ट की है क्योंकि ये गाड़ी जो है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। ये गाड़ी भी नहीं है, तो ट्रैक्टर है ये जो कि खेत के अंदर चलता है, क्योंकि ये वाला पार्कर काफ़ी ज़्यादा हार्ड होने वाला है। तो गाइस आप लोग एंड तक ज़रूर देखना। देखो कोई नहीं पार करने वाला है, खाली ये मोटो ही पार करके जो है एक्सपेंसिव वाले हेलीकॉप्टर जो लास्ट में रखे हुए वो लेके जाने वाला है। तो गाइस मोटू, अरे भाई साहब आपने जैसे पिछले वीडियो में देखा था एग्जिट मार दिया था, बिल्कुल सेम वही हुआ, गलती से जो है मोटू ने एग्जिट कर दिया था। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास फिर भी एक चांस है, तो मोटू जो है फिर से मेरा मतलब ब्लैक मोटू फिर से जो है गाड़ी में बैठेगा और गाड़ी को आगे लेके जाएगा। अरे यार जल्दी से पार कर देता, उसके बाद जो है ये वाला लेवल कंप्लीट हो जाएगा और जो बाकी कैरेक्टर्स हैं हमारे उनको भी मौका मिलेगा। बस कैसे भी करके ये वाली गाड़ी जो है आगे वाले प्लेटफॉर्म पे हमको लैंड करानी है, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन हम लोग फाइनली जो है लैंड हो चुके और जो एक्सपेंसिव हेलीकॉप्टर से भाई वहाँ तक पहुँच गए, और मोटू जो है ये सारे हेलीकॉप्टर्स का मालिक अकेला बन जाएगा। लेकिन अगर किसी और कैरेक्टर ने भी पार किया तो गाइज ये सारे हेलीकॉप्टर इन सभी लोगों में बांट दिए जाएंगे जो जो फर्स्ट आएगा। तो फिलहाल के लिए तो मोटू इन सब का मालिक है। तो गाइज हम लोग जो है ये वाली गाड़ी से एग्जिट करते हैं और देख लेते हैं एक बार हेलीकॉप्टर्स, अब देखते हैं कि कौन आता है। भाई ये हमारा ग्रीन कलर का टाइगर आ रहा है। अरे भाई साहब टाइगर टाइगर, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, और खाली पेट तो मेरे भी दिमाग की बत्ती नहीं जलती। और फाइनली गाइज हमारा जो टाइगर है ग्रीन वाला वो जा रहा है, लेकिन गाइज इसने ग्रीन वाली बाइक ली है जो कि बिल्कुल भी अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। इसके लिए हो सकता है इसकी गाड़ी जो है गिर जाए, क्योंकि ये इतना बड़ा है साइज के अंदर, ये बाइक जो है इसको छोटी पड़ रही है। तो अभी देखते हैं कि क्या ये इस प्लेटफॉर्म को मेरा मतलब रैम को पार कर पाता है कि नहीं कर पाएगा, क्योंकि गाइज ये जो टाइगर है ये अभी बच्चा है और इससे जो है गाड़ी हैंडल नहीं हो रही है। अरे यार इसने तो गलती से बूस्टर दबा दिया जो कि यहाँ पे नहीं दबाना था, और इसकी वजह से इसकी गाड़ी गिर गई और इसके सर में भी चोट लगी है। लेकिन इसको एक और चांस देंगे हम लोग, क्योंकि इसकी गाड़ी अभी नीचे नहीं गिरी है। तो भाई वापस से रिटर्न आ जा, वहाँ कहाँ जा रहा है? अरे भाई साहब, अबे इसने तो गाड़ी को नीचे कूदा दिया यार। कोई बात नहीं है, बच्चा है इसके लिए हम लोग उसको जाने देते हैं। तो नेक्स्ट बारी हम लोग देखते हैं कि किसकी है। अरे कहाँ ले जा रहा है भाई, गाड़ी ऊपर ले जा जल्दी, दूसरे की बारी है अभी। तो गाइस रेड वाले टाइगर की बारी है। तो यस गाइस, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, लेकिन इस बार बारी है लाल टाइगर की। तो गाइस ये भी छोटा बच्चा, ये गाइस तो पता नहीं इससे भी पार हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि इसके भाई ग्रीन टाइगर से तो पार नहीं हुआ। तो आई होप कि गाइस इससे पार हो जाए, वरना जो ब्लैक वाला मोटू है वही सारे हेलीकॉप्टर्स ले जाएगा। अरे बूस्टर्स क्यों दबा रहा है भाई, मत दबाना, वो गलती से अगर क्लिक हो गए ना। अबे यार मैं तो पहले ही बोल रहा था कि बूस्टर वाले बटन के साथ मस्ती मत कर, लेकिन यार ये दोनों टाइगर भाई तो गधे है भाई, यार इन लोगों ने क्यों दबाया बूस्टर वाला। कोई बात नहीं गाइस, ये भी बच्चा है, इसके लिए हम लोग एक और एक चांस को दे देते हैं। बाकी हमने सिंगम को दूसरी चांस नहीं दी थी, देखते कि ये कर पाता है कि नहीं। अभी तो अपने भाई की तरह नीचे मत गिर जाना, पीछे ले पहले गाड़ी को फिर उसके बाद कूदाना, ठीक है भैया? समझ गया। अरे समझ गया, तो जल्दी से पीछे ले, वरना एक कान पट्टी के रख के नीचे दूंगा। तो गाइस रेड वाला टाइगर जो अभी गाड़ी को पीछे ले रहा है ताकि वो ऊपर से आए और फटाक से जो है रैम को क्रॉस कर दे। लेकिन अगर ये ग्रीन वाले टाइगर की तरह नीचे गिरा तो ये दोनों भाइयों को हम लोग अगली बार से नहीं खिलाएंगे, इन लोग को दूसरे सीरीज में भेजेंगे। अबे भाई क्या गधा बंदा है यार, अबे इसने पहले बूस्टर यूज़ कर लिया जिसकी वजह से ये प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं लेकिन प्लेटफॉर्म के नीचे से निकल गया। लेकिन कोई बात नहीं, इस बार बारी हमारे स्पाइडरमैन की। तो हमारा स्पाइडरमैन देखते ही एक लेवल को कंप्लीट कर पाता है कि नहीं। तो गाइस हमारा स्पाइडरमैन जो है गाड़ी लेके निकल चुका है, इसने भी ग्रीन वाली गाड़ी ली। अबे यार ये ग्रीन वाली गाड़ी बहुत ही ज़्यादा पनौती है, जो कि लेने की किसी को ज़रूरत ही नहीं है यार, कोई और रंग की गाड़ी ले लो ना। देखो ब्लैक वाला मोंटू कितनी मस्त गाड़ी ले गया, उसने तो पार कर लिया था। लेकिन ये सब लोग गधे, भाई तू क्यों बूस्टर के साथ मस्ती कर रहा है, तेरे पास तो स्पाइडरमैन वाली ताकत भी नहीं है। अबे भाई साहब, अबे ये तो इतना गधा बंदा है कि ग्रीन वाले टाइगर और रेड वाले टाइगर से भी बेकार गिरा। कोई बात नहीं, तो हमारा जो चैंपियन है ब्लैक मोटू वही सारे ये हेलीकॉप्टर्स रखेगा। भाई सारे के सारे गधे यार, पनौती एक नंबर के। तो हमारा ब्लैक वाला मोटू जो हेलीकॉप्टर उड़ा के दिखाएगा, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस मोटू। तो गाइस आप लोग अगर अभी भी वीडियो देख रहे हो तो गाइस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो अच्छा लगा हो। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, बोलो लाल टमाटर को बाय।